Now next example related to byte data types. In that case, we are creating some program. In this case, currently, सबसे पहले perform क्या करें? Compilation by using Java C command. जब भी Java C command से इस program को आप compile करने के लिए try करो, इसके साथ supply क्या करेंगे? Source file name. सपोज दैट अगर प्रोग्राम या फाइल का नाम है सैंपल डॉट जावा, ऐसे इस केस में कंपाइल करने की ट्राई करो, इमीडिएटली रेज क्या होगा? कंपाइल टाइम एरर. कंपाइल टाइम एरर बिकॉज करंटली मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है बाइट टाइप एज एक्स, और एक्स का टाइप बाइट है, इसका रेंज क्या होगा? -128 to +127. मीन्स करेंटली एक्स में 127 से बड़ा नंबर स्टोर कराना पॉसिबल है, लेकिन कराए मैंने करंटली इसमें ट्राई किसके लिए किया है? स्टोरिंग 128. इमीडिएटली इसके इसमें रेज होगा कंपाइल टाइम एरर. एरर मैसेज क्या आएगा इसके इसमें? पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन फाउंड. किस टाइप का वैल्यू फाउंड हो रहा करेंटली? फाउंड इंट. इसे इसके इसमें 128 कंसिडर हुआ जाए इंटीजर टाइप, जबकि रिक्वायरमेंट किस टाइप की है? रिक्वायर्ड बाइट. नेक्स्ट वन, 128 डायरेक्टली साइन करना पॉसिबल नहीं बिकॉज इट इज नॉट अ रेंज ऑफ इंटीजर. लेकिन अगर सेम केस में साइन करता हूं 128 और आफ्टर टाइप कास्टिंग, इस टाइप कास्टिंग का यूज करके साइन करना पॉसिबल हुआ सेम नंबर. देन इस केस में अगर आप अगेन कंपाइल करने के लिए ट्राई करो बाई यूजिंग सेम कमांड, देयर इज नो एरर. इस केस में कोई भी कंपाइल टाइम एरर मैसेज नहीं हुआ, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हुआ. सक्सेसफुली कंपाइल होने के जस्ट बाद क्रिएट क्या हो जाएगा? सैंपल डॉट क्लास फाइल. तो इमीडिएटली जैसे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ट्राई करेंगे, एग्जीक्यूशन के रिस्पेक्ट में सिंपली मैंने डिस्प्ले क्या कराया इसके इसमें? वैल्यू ऑफ एक्स. चेक कर दे पर्टिकुलर टाइप कास्टिंग स्टेटमेंट इंटरनली किस टाइप से प्रोसेस हुआ. सबसे पहले जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल मेन के अंदर एंटर होगा, इमीडिएटली मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म होगा फॉर वेरिएबल एक्स, प्लस एलोकेशन स्टैक के फॉर्म होगा. करंटली स्टैक या अदर थिंग्स क्रिएट करने की नीड नहीं, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड टू मेमोरी रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स. करंटली जैसे ही एक्स क्रिएट हुआ, एक्स का टाइप क्या फाउंड हो रहा करंटली? बाइट. बाइट के रिस्पेक्ट में एक्स के लिए ओनली 1 byte मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म हुआ, क्योंकि बाइट का साइज क्या था? ओनली 1 byte. 1 byte memory space allocated for variable x. This location is considered as x. In this case, total bits कितने? 8. Out of them, first most significant bit considered as a sign bit. Remaining bits are data bits. Remaining सारे के सारे bits कैसे होंगे? Data bits. Then, what is the output of this code? इस केस में means finally आपको check out करना है internally. टाइप कास्टिंग किस टाइम से किस टाइप से एग्जीक्यूशन कंट्रोल या ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैनेज होगा 128. इसके साथ 128 की बात करें तो 128 का टाइप क्या है? इंटीजर. इंटीजर्स के अकॉर्डिंग 128 इंटरनली मेमोरी में मैनिपुलेट होगा या इंटीजर मीन्स इन द फॉर्म ऑफ 4 byte, और वी कैन से 4 byte इज इक्वेलेंट टू 32 bits. प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया था, जो भी आप वैल्यू असाइन करने के लिए ट्राई कर रहे हो, सबसे पहले इसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कराएंगे. 128 के रिस्पेक्ट में 128 का बाइनरी क्या आएगा? 17 times 0, 17 times 0. दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ 128. लेकिन बाइनरी नंबर अवेलेबल कितने बिट्स में? ओनली 8 bits. इंटीजर्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कितने बिट्स में करना? 32. तो इस केस में एक्स्ट्रा कितने बिट्स ऐड हो जाएंगे? मोर 24 bits. तो रिमेनिंग 24 bits खुद से ऐड करा हुआ जाए डिफॉल्ट में, सभी नंबर जनरेट करा ना कि असाइनमेंट. इसे 128 का बाइनरी नंबर अगर आप सेम नंबर 32 bits में रिप्रेजेंट करो, तो रिमेनिंग टाइम्स राइट कर लेंगे 0. This is the binary representation of 128 plus. Initially ये data किसी variable में assign होगा, इसको consider करोगे इस location को जाए some temporary place. Temporary place के केस में total कितने bytes हैं? There are 4 bytes like that. Then इसके just बाद creation होने के बाद इस data के respect में data assign के means convert किस में? Bytes के form में. तो byte में convert करने का meaning क्या है? ये data available कितने bits में? कितने bytes में? 4 byte में. और बाइट में कन्वर्ट हुआ, तो इसका मतलब आप कन्वर्जन कितने बाइट्स में कर रहे हैं? ओनली
वन बाइट, इस रियल में देखा जाए तो 4 बाइट डेटा को कभी 1 बाइट में स्टोर करना पॉसिबल नहीं, लेकिन इस केस में 1 बाइट में टोटल 8 बिट्स अवेलेबल है एक्स के पास। तो एक्स के केस में जो भी 128 का बाइनरी नंबर 32 बिट में रिप्रेजेंट किया है, सेम बाइनरी नंबर और सेम डेटा, राइट टू लेफ्ट आप किस प्लेस पर कॉपी करोगे? इनसाइड लोकेशन एक्स। तो लोकेशन एक्स में सबसे पहले फर्स्ट बिट कॉपी किया मैंने, देन सेकेंड, थर्ड, फोर, द रिमेनिंग 4 बिट्स। रिमेनिंग 28 बिट्स को स्टोर कराने के लिए आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, कोई भी सॉरी मेमोरी स्पेस अवेलेबल नहीं, तो इसके साथ रिमेनिंग डेटा स्टोर करना पॉसिबल नहीं। इसको आप कंसीडर करोगे लॉजिकली एज रिमूव्ड इन्फॉर्मेशन, या टाइप कास्टिंग के बेसिस पर बाइट के अकॉर्डिंग ओनली कितने बाइट्स बचेंगे इसमें? 1 बाइट और 8 बिट्स, मीन्स रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन या रिमेनिंग प्लेस आपका रिमूव हो जाएगा। देन इसके बाद बाइट में कन्वर्ट होने के बाद या 8 बिट्स में कन्वर्ट होने के बाद डेटा कॉपी किस में हो चुका है? वेरिएबल एक्स में। क्लियर? क्योंकि एक्स के केस में चेक करो, रियल में आपने असाइन क्या किया? पॉजिटिव नंबर्स, लेकिन एक्स के केस में आप साइन बिट क्या हो रहा है इसका? 1 1 मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स। मीन्स नेक्स्ट टाइम जब प्रिंटलाइन के थ्रू मैसेज डिस्प्ले कराओ तो आउटपुट किस फॉर्म में डिस्प्ले होगा? इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। और करेंटली एक्स मेमोरी, एक्स के अंदर डेटा मेमोरी में किस फॉर्मेट में अवेलेबल? इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर। तो रिक्वायर्ड क्या? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के केस में आपको रूल एक्सप्लेन किया था, सबसे पहले चेक करेंगे साइन बिट। चेक क्या करेंगे इस केस में? साइन बिट। तो साइन बिट के केस में पॉसिबल केस क्या होंगे? आइदर 0 और 1। अगर साइन बिट 0 है नंबर कैसा है? पॉजिटिव। अगर साइन बिट 1 है देन नंबर कैसा है? निगेटिव। तो पॉजिटिव नंबर को जब भी आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो उसके इसमें सिंपली फॉलो क्या करें? डिवाइड बाई 2 रूल। मीन्स डायरेक्टली बाइनरी टू डेसिमल पॉसिबल है, लेकिन अगर साइन बिट 1 है नंबर निगेटिव है तो उसके इसमें आप फॉलो क्या करोगे? सबसे पहले जो भी गिवन बाइनरी नंबर है उस नंबर के लिए कैलकुलेट करेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट होने का, टूज कॉम्प्लीमेंट भी किस फॉर्मेट में आएगा? बाइनरी फॉर्मेट में। टूज कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा? अगेन बाइनरी, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है। देन जो भी बाइनरी नंबर आया उस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट किसमें करेंगे? डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल आफ्टर टूज कॉम्प्लीमेंट। प्लस जो भी डेसिमल वैल्यू उसके लिए साइन अप्लाई करेंगे माइनस। चेक करते हैं करंटली साइन बिट क्या है? 1। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या है? टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग नंबर को नोट डाउन कराऊंगा एज 1000, दिस इज ऑरिजिनल वैल्यू। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है इसका? 0111111, दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट। देन इसमें ऐड कराएंगे 1, देन 1 + 1 = 0, कैरी इज 1, 1 + 1 = 0, कैरी इज 1, 0 1, जीरो प्लस वन इज 1। इस सेम नंबर जनरेट हुआ था, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो डेसिमल वैल्यू क्या है इसका? 128। लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग साइन बिट 1 था इसलिए साइन कौन सा अप्लाई करूं? माइनस साइन। फाइनली इस केस में आउटपुट क्या प्रिंट हुआ? -128। क्लियर? सेम है, सिमिलर टाइप का अदर एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करूंगा नेक्स्ट केस।